आप सभी के अच्छे दिन आने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। आप अच्छे तरह से पढ़ाई करें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, इस विषम स्थिति में भी कैसे पढ़ाई करें इस पर आपको विचार करना है। आप समझें, आपको पढ़ना है, जब तक पढ़े लिखेंगे नहीं तब तक आप महान नहीं बन सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही चाहूँगा कि आपके पास पर्याप्त समय है और उस पर्याप्त समय का उपयोग करें, सदुपयोग करें, अपने जेहन में, अपने दिलो दिमाग में, अपने मस्तिष्क में यह विचार कर लें, यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें, यह विचार बना लें, यह मन बना लें कि आपको पढ़ना है, पढ़ने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए पढ़िए, मैं बार बार आपको दिशा दूंगा, आपसे कहूंगा, आपसे चाहूंगा कि आप पढ़ें, पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। आइए हम आपको आज बताते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि तरह तरह के शब्द होते हैं, तरह तरह के वाक्य होते हैं, उसको बेहतर तरीके से हम नहीं बोल पाते हैं, उसमें तमाम तरह की त्रुटियां आ जाती हैं, तमाम तरह की अशुद्धियां आ जाती हैं, हम शुद्ध बोल नहीं पाते हैं, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, शुद्ध लिख नहीं पाते हैं, जिससे जो समझने वाला है उसको प्रॉब्लम होता है, उसके आप सामने समस्या आती है। इसलिए हम यह जानेंगे कि किस शब्द को, किस वाक्य को, किसको कैसे लिखा जाए, उचित क्या है, सही क्या है, वही सही का काम व्याकरण करता है। अर्थात व्याकरण की परिभाषा हम इस प्रकार देंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना सीखते हैं। फिर एक बार सुने कि व्याकरण वह शास्त्र है, ऐसे भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह माध्यम है, ऐसे भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना सीखते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि वह शास्त्र, वह साधन, वह माध्यम जिसके द्वारा हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना आ जाए, वह व्याकरण कहलाता है। मैं आप सभी से यह चाहूँगा कि आप कॉपी में इसे नोट करें, नोट करें, इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ लें, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यदि आप चाह दें, एक या दो बार, तीन बार पढ़ दें तो वह कभी भूल जाए। यह पढ़ाई है, यह आदि से लेकर अंत तक रहती है, जब भी जरूरत पड़े हमें उसको बताना है, उसको समझना है। जब हम जानते रहेंगे, हम समझते रहेंगे, हम समझेंगे, हम जानेंगे, तभी हम दूसरों को बता सकते हैं। इसलिए बेहतर तरीके से समझना अनिवार्य है, समझना जरूरी है। फिर देखिए, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। अब इस व्याकरण की बात, व्याकरण समझ गए होंगे आप, व्याकरण के भाग, व्याकरण के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। व्याकरण के तीन भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार, इसकी परिभाषा देनी हो तो ऐसे कहेंगे कि इसमें वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें
अनेक शब्दों या पदों की रचना के बारे में विचार किया जाता है। इसमें अनेक शब्दों या पदों की रचना के बारे में विचार किया जाता है। फिर तीसरा होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में अनेक प्रकार के वाक्यों के बारे में विचार किया जाता है। फिर एक बार समझ लें, वर्ण विचार, वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार, ऐसे कई शब्दों के बारे में, अनेक शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। पदों की रचना के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें अनेक प्रकार के वाक्यों के बारे में विचार किया जाता है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं व्याकरण का क्या महत्व है। कैसे देखिए, कैसे जानेंगे कि व्याकरण का क्या महत्व है, व्याकरण की क्या उपयोगिता है, व्याकरण की क्या जरूरत है, व्याकरण की क्या आवश्यकता है। क्या हम बिना व्याकरण के काम नहीं कर सकते? क्या हम बिना व्याकरण के नहीं पढ़ सकते? क्या हम बिना व्याकरण के नहीं लिख सकते? क्या हम बिना व्याकरण के नहीं जान सकते? जान सकते हैं, लेकिन शुद्धता उसमें नहीं होगी। उसमें शुद्धता नहीं होगी, हमें शुद्ध जानकारी नहीं होगी। व्याकरण क्या करता है, मैं परिभाषा में भी बताया हूँ कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। कभी भी आपसे कोई पूछे व्याकरण की उपयोगिता के बारे में, व्याकरण के महत्व के बारे में, तो आप बताएंगे कि सर व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। फिर बताएंगे भाषा को परिमार्जित करके मतलब उसको शुद्ध करके उसे मानक रूप प्रदान करता है। फिर बताएंगे शब्दों के अशुद्ध प्रयोग पर कड़ा अनुशासन रखता है। शब्दों के अशुद्ध प्रयोग पर कड़ा अनुशासन रखता है। भाषा को व्यवस्थित करके नियम बनाता है। आगे बताएंगे भाषा के अंगों प्रत्यंगों का बोध कराता है। आगे बताएंगे भाषा के प्रयोग विधि पर विचार करता है। कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण की उपयोगिता अनेकों प्रकार से है। यदि व्याकरण नहीं है तो कहीं शुद्धता नहीं होगी, कहीं शुद्धता नहीं होगी। हमें जानकारी होगी लेकिन अशुद्ध जानकारी होगी। आइए अब इसके बाद बताते हैं आपको भाषा। भाषा भाषा के बारे में आप सुने होंगे, अंग्रेजी भाषा है, उर्दू भाषा है, फारसी भाषा है, हिंदी भाषा है। ये भाषा की परिभाषा हम कैसे देंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर एक बार सुन लें कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, संक्षेप में कहना हो तो कह सकते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का मतलब क्या है, भाषा का अभिप्राय क्या है, भाषा की को परिभाषित कीजिए, तो संक्षेप में कहना हो तो आप कह दीजिए कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अगर ऐसे कह सकें कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने मन के भावों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं। यानी जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए ये भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा के प्रकार, भाषा दो प्रकार की होती है। पहले को कहते हैं मौखिक भाषा, दूसरे को कहते हैं लिखित भाषा। पहले को कहते हैं मौखिक भाषा, दूसरे को कहते हैं लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा को परिभाषित करनी हो तो आप ऐसे कहेंगे कि भाषा के जिस रूप से बोलकर या सुनकर
विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा के जिस रूप से बोलकर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और ठीक उसी का उल्टा कि भाषा के जिस रूप से हम लिखकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लिखकर एक दूसरे के मनोभावों को जानते हैं, लिखकर एक दूसरे के विचारों को समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं कि बोली क्या है। बोली इसके बाद हम आपको बताते हैं बोली बोली क्या है। बोली की परिभाषा कैसे देंगे? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भारत में 1652 बोलियां प्रचलित हैं। भारत में 1652 बोलियां प्रचलित हैं। इसके बाद आइए बताते हैं आपको उपभाषा। उपभाषा क्या है? उपभाषा पहले आपने पढ़ा भाषा, उसके बाद आपने पढ़ा उपभाषा कि विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। विस्तृत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। इसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा किसे कहेंगे? जो भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। जो भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। यहाँ देखिए मैं नोट कर दिया हूँ कि भारत की संविधान ने 14 नौ 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी। प्रश्न आएंगे, ध्यान देना है आपको, याद रखना है, याद करना है। जब याद नहीं करेंगे तब तक आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आपको बताते हैं लिपि। लिपि के बारे में, लिपि को हम ऐसे परिभाषित करेंगे, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरमुखी, उर्दू की लिपि अरबी फारसी, कश्मीरी की लिपि शारदा। फिर एक बार देखें कि भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं, जिसमें कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां नीचे दी गई हैं। भाषा है अंग्रेजी, लिपि है रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी, उर्दू भाषा की लिपि अरबी फारसी, कश्मीरी की लिपि शारदा, हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी। यहाँ ध्यान देना है आपको, कई बार आप देखे भी होंगे, समझते भी होंगे, जाने भी होंगे कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा की लिपि को बाईं से दाईं की ओर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा की या अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होती है उनको हम बाईं से दाईं की ओर लिखते हैं। बाईं से दाईं, इधर से शुरू करेंगे उधर अंत होगा। लेकिन अरबी फारसी या उर्दू भाषा की लिपि को हम दाईं की तरफ से शुरू करते हैं और बाईं की तरफ खत्म होता है। ठीक एक दूसरे का उल्टा है। आपको
ध्यान रखना है, आपको जानना है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा की लिपि को बाईं से दाईं की ओर लिखते हैं और अरबी फारसी और उर्दू भाषा की लिपि को दाईं से बाईं की ओर लिखते हैं। यहाँ ध्यान आपको यह देना है कि कैसे आप जानेंगे, इसमें जो भी आपको बताया गया व्याकरण के बारे में कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा क्या है, लिपि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं, व्याकरण का क्या महत्व है, व्याकरण की क्या उपयोगिता है, बहुत सारी बातें मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया और यहाँ ऐसे मैं दिया कि आप इसको आसानी से लिख सकें। मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप नोट करें इसको, जब भी वीडियो देखें कापी पेंसिल कलम साथ में लेकर बैठें और उसको नोट करते जाएं कि लिपि की परिभाषा क्या है ऐसे है, भाषा की परिभाषा क्या है ऐसे है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, यानी टोटल नोट बनाते जाइए कापी में, जीवन में कभी भी काम देगा। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कापी में नोट करने हैं। देखिए प्रश्न कौन कौन से दिए जा रहे हैं, कैसे प्रश्न हैं। हाँ देखिए, इसके बाद हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहे हैं कि आप कितना जाने, कितना समझे, कितना सीखे, आप उसको लिखे कि नहीं लिखे। तो इन प्रश्नों को आप नोट कर लें, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न, भाषा से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत में कितनी बोलियां प्रचलित हैं। तीसरा प्रश्न, लिपि किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न, राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली, राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकृति मिली। पांचवा प्रश्न, व्याकरण से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न, व्याकरण की क्या उपयोगिता है अथवा व्याकरण का क्या महत्व है। फिर एक बार सुन लें, पहला प्रश्न, भाषा से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत में कितनी बोलियां प्रचलित हैं। तीसरा प्रश्न, लिपि किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न, राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकृति मिली। पांचवा प्रश्न, व्याकरण से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न, व्याकरण की क्या उपयोगिता है। इसी के साथ आप सबको ढेरों सारी शुभकामना देते हुए, आपके अच्छे दिन की मंगलमय कामना करते हुए, ईश्वर खुदा गाड अल्लाह परमात्मा से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे ईश्वर, हे खुदा, हे गाड, हे परमात्मा, हे परवरदिगार, अब तो कम से कम अच्छे दिन लाएं क्योंकि बहुत समय बीत गया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।